चार पंक्तियां सुनिए, धीरे से निवेदन, स्वागत हमें स्वागत छे, चार पंक्तियां सुनिए। सरकार ने एक नियम निकाला है और वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? अगर मेरी नजर गई हो ठीक ठीक तो फिर बात आप तक पहुंचे, निवेदन करता हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छा। इस संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। सुनिएगा, वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये, इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये, इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कि दो बच्चे थे पहले ही, प्रमोद भैया, दो बच्चे थे पहले ही तीसरा भी हुआ, जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी पंक्ति में मजा आ जाए तो फिर महोत्सव करिएगा। कि दो बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ, जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है। बहुत अच्छा अमित, आप सब इस योजना के लाभार्थी लगते हैं। कोरोना वोरोना कोई बात नहीं है, मैं अभी जैसी चकिया पहुंचा, पता नहीं दादा आए हैं पीछे कि नहीं, तो मुझको मिले तो हमके दादा आपको भी पता है ये इतना तांडव मचाई है, बीमारी कैसे होती है। भैया रख दे भैया, कितना दे दो जल्दी, दे दे दो, चाय वाले आ जाते हैं, दिक्कत बद्दुआ देगा नहीं तो, लेकिन कितना भी करिए चाय वाले तो आएंगे ही। आइए, ठीक फैक्ट सही है ना, ठीक कोई बात नहीं। दादा हमको मिले, जैसे हम चकिया आए तो हमके दादा आपको भी पता है ये बीमारी कैसे होती है, कैसे होता है ये कोरोना, कैसे होता है आपको भी पता है। तो दो मिनट सर खुजाए कहीं लाला, हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। हाँ, ये इससे खतरनाक कारण नहीं हो सकता। दादा को खांसी आ रही थी तो हमके दादा जांच कराइए, कहीं नमित जांच नहीं कराएंगे पक्का निकल आएगा। हम दादा को जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर सामने था, तो कहीं हमको खांसी आती बुखार है तो वो बोला जांच कराइए, ये बोले जांच नहीं कराएंगे, बिना जांच किए जानेंगे कि हमको है कि नहीं। वो कहा इसे कैसे हो सकता है, सतना के एक आदमी है, ऐसे नहीं मजाक है कि इतने देश में संचालन करते हैं। दादा तीन मिनट तक सोचे, डॉक्टर का मास्क नीचे किए और उसके मुंह में तीन चार बार खांसे और बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। चार पंक्तियां सुनिए, बदला क्या क्या कोरोना के बाद, बदला क्या क्या सुनिए, निवेदन करता हूँ। क्या फजीहत फैलाई कोरोना ने भी सर, स्वागत। ये प्रेम मोहब्बत, ये खतरनाक कार्यक्रम के बाद जाते हैं विधायक जी, पानी मांगते हैं तो गिलास में पानी आता है। लॉकडाउन के समय उठते थे तो पानी मांगते थे तो गिलास में नहीं आता था, बाल्टी भर के आता था। और धीरे से कान में कहा जाता था कि आज पोंछा आपको ही लगाना है। चार पंक्तियां सुनिए, कोरोना के बाद बदला क्या क्या, पति विशेष रूप से सुनिए। स्वागत। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग बहुत कहते थे कि कन्याएं मुंह बांधे हुए घूमती हैं, अब सब घूमते हैं। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। बढ़िया। मुस्कुराहट उन्हीं लोगों के चेहरे में आई है जिनको लग रहा है मैं उनका चरित्र चित्रण कर रहा हूँ। कि कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, बीमारी है, नेता कवि बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मन से आप सब सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और सुनिए, कोरोना काल में एक महानायक को बीमारी हो गई कोरोना। महानायक को कोरोना होने पर एक घर सीज किया जा रहा था, एक अजीब सी घटना दिखाई दे रही थी। अगर कवि की नजर वहां तक पहुंची हो तो चकिया वालों की भी गई होगी, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। स्वागत। ऐसा क्यों हुआ, कोरोना कोई और था, घर सीज हो रहा था, सुनिएगा। दूसरा निवेदन करता हूं कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब, प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया।
मन से सुनिएगा कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब, प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया। जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, पहुंचिएगा वहां जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया। निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। आए, आए। आपकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूँ। तालियां बजाकर एक बार आदेशित करिए मन से। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे अमित। इसी आनंद के साथ सुनिएगा, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूँ, उभरता हुआ पति। तरोताजा, हाँ, दादा जैसे उभरते हुए वरिष्ठ है। हाँ, एक दिन वो मुझसे कह रही थी, विधायक जी कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे, आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। हम कहे अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। हाँ, एक दिन कह रही थी कहीं जानते हैं आपको, शादी के पहले भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते देखती थी। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की। बोली एक दो बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। तो चार पंक्तियां सुनिए, ये विख्यात कुमारा है। ये कुमारे लड़के दादा जो है ये विवाहित पुरुषों पर हंसते हैं, मजाक मत समझिए भाई। स्वागत। शादीशुदा मर्द का शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होती है। मजाक समझ रहे हैं आप, महिषासुर पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पति भी पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। क्या बात, चार पंक्तियां सुनिए, निवेदन। स्वागत अमित, सुनिए, निवेदन करता हूं कुमारे विशेष रूप से, सुने सुने। कि कहने लगा कुमारा मित्र एक मुझसे, ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। कहने लगा कुमारा मित्र एक मुझसे, ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं। घर में वो रहते हैं चुपचाप से बेचारे, पत्नी जो चाहे उनके बोल वैसे होते हैं। मैंने कहा मित्र तुम हो कुमारे, इसलिए जानते नहीं हो पति वीर कैसे होते हैं। शेरनी के सामने जो रहते हैं दिन रात, शेर से तो कम नहीं मर्द वैसे होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, आप सब मन से सुन रहे हैं। बिल्कुल। चार पंक्तियां मैं और सुना देता हूं, कुछ ठीक चकिया कविता भी सुनता ही है, मैं चेक करता हूं। स्वागत। हंसी ठाकी अपनी जगह पर है, टीम लंबी है, तहां तक पहुंचना है। हालांकि सबने ये कहा है कि समय कम है, समय कम है, और 45 मिनट से कम नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं इस तरह का कारनामा नहीं करूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं समय पर ही समय देखूंगा। निवेदन करता हूं, सुनेगा चार पंक्तियां, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि चकिया कविता कैसी सुनता है। मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा, आप गांव में रहते हैं, हम सब ताजा और तमाम महानगर घूमते रहते हैं, आपके गांव में भी कोरोना में कुछ लोग लौट कर आए होंगे। अगर ठीक लगे तो मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, कौन लोग गांव लौट कर आए, मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत, स्वागत। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है किंतु, ये बताया गया है मुझे कि कविता चकिया कविता सुनता है, मुझे एहसास दिलाइएगा इन पंक्तियों पर, वरना हंसी ठाके पूरी रात के लिए मेरे जेब में है। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर सबसे ज्यादा काम आता है कोई आपको, तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। क्या मैं निवेदन करता हूं, कौन लोग गांव लौट कर आए। क्या बात है, क्या बात है अमित, कौन लोग गांव लौट कर आए हैं, मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है किंतु, इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। माटी की पवित्रता, चौथी पंक्ति संभाल लीजिएगा, माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़ कर सारा काम काज गांव आ गए। और आखिरी पंक्ति अगर सच निकले तो एक भी आप खामोश मत रखिएगा। क्या बात, बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़ कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। हाय 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 हाय। अगर आपका मन हो तो फिर से सुन लिया जाए इन पंक्तियों को, लेकिन तालियां उतनी ही उठनी चाहिए, ठीक है।
बहुत अच्छे अमित, शानदार पंक्तियां लाजवाब, सबका भोगा हुआ यथार्थ, भोगा हुआ दर्द। समय की सीमा है इसलिए पंक्तियों को दोबारा पढ़ना, कोई समय की सीमा नहीं है, लगता है कि समय की सीमा, कोई समय की सीमा नहीं। पढ़िए कि कष्ट दे रही बहुत सीख, उसी तरह सुनेगा जैसे पहली बार, बिल्कुल बिल्कुल, कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़ कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। दिल जीत लिया आपने चकिया वालों, दिल जीत लिया, बस इसी मन से सुनेगा, निवेदन करता हूं। वाह 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 अमित, एक बार और तालियां उठ जाए, माला पहनाई जा रही अमित को, भरपूर प्यार देते हैं चकिया वाले लोग, चकिया जिंदाबाद। इसी मन से सुनिएगा, हालांकि हम लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमारा रीवा जो है ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो संस्कार यहीं के हमारे यहाँ दादा ज्यादा, ये यूपी एमपी में ज्यादा संस्कार पाया जाता है। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए विधायक जी, तो संस्कार देखिए, उनके दो बेटे थे, तो बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम प्रयाग लेके चले जाओ बाबूजी की अस्थियां, हम जरा यहाँ तिरहवीं की तैयारी कर लें। तो छोटू गया, अब 10 किलोमीटर पहले नैनी में जाम लग गया, तो वहीं बाबूजी को नाले में निपटा के चला आया। अब जब लौट कर आया तो बड़े वाले को शंका हुई, तो दूसरे दिन भूमिका बांधने लगा, कहा छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयाग नहीं पहुंचाया, तो तुम कहाँ छोड़ आए बाबूजी को। अब संस्कार देखिए बिंदगरीवा सतना यूपी का, कहाँ छोड़ आए बाबूजी को, बाबूजी सपने में आए थे। छोटू कहा कि भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है, 10 किलोमीटर प्रयाग बचा था तो नहीं जा सकते थे, 300 किलोमीटर यहाँ शिकायत करने चले आए थे। कमाल किए हैं जहाँ हम लोग थे साथ में, पढ़ो पढ़ो, ये वहीं बस कमाल नहीं करते, रास्ते में भी, मैं इनके पूरे रास्ते में आया हूँ, तो मैं तो अपनी शोहरत बता रहा था, जिंदाबाद, इनकी शोहरत बता दूंगा तो आप घायल हो जाएंगे। हम लोग जैसे ही आए तो चाय पीने उतरे बनारस में, दादा सच घटना बता रहे हैं, तो एक महिला आई, कहीं ना आप नरकंकाल जी हैं, तो ये जो छोटी छोटी मूछ है इन्हीं में ताव दिए, कहीं देखे अमित तुम हमारी सोहरत मजाक समझते हो, महिला पहचानती है हमको कि हम नरकंकाल हैं। महिला बोली कि सर आप हमारे घर तक चल सकते हैं क्या। अब नरकंकाल जी के अंदर का आसाराम जगा, ये उनके पीछे पीछे घर तक चल दिए। महिला बोली सोफे में बैठ जाइए, ऐसे सोफा में नरकंकाल जी बैठ गए तो कहीं सर शर्ट उतारिए। अब अंदर का नारायण स्वामी भी जगा, नरकंकाल जी शर्ट उतारे, महिला बोली कि धीरे से बनियान भी उतारिए। अब नरकंकाल जी बनियान उतार के जब परम मोक्ष को प्राप्त होने वाले थे, तभी महिला जोर से चिल्लाई, कही बिट्टू वो बिट्टू, 5 साल का लड़का दौड़ के आया, बोली इसीलिए कहती हूं दूध में बॉर्न बिटा पिया करो, नहीं इस तरह हो जाओगे। आइए आइए, बहुत बढ़िया जगह पर हैं। मैं एक कविता विशेष मन से, हमारी बहनें बैठी हुई पुलिस की वर्दी पर, इधर भी माताएं बहनों की संख्या और मंच पर भी माताएं बहनें विराजमान है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा है, हंसी ठाक के पूरी रात के लिए, और सब ये सब है, दादा को सुनना है और तमाम लोगों को सुनना है। एक कविता मेरा विशेष मन है, फिर समय रहेगा तो फिर मैं और सुना दूंगा। मैं निवेदन करता हूँ, जो मेरी आत्मा की कविता है, मेरे मन की कविता, मैंने आपसे ताली और बाह करवा ली है, बस मेरा निवेदन है कि 2 से 2.5 मिनट मेरे मन से जुड़ जाइएगा, कोई ताली नहीं कोई बाह मत करिएगा। इस कविता की भूमिका केवल इतनी कि जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना, जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां तक गई। मैं निवेदन करता हूं 2 से 2.5 मिनट, चित्र बनाइएगा, निवेदन करता हूं, सुनेगा, स्वागत स्वागत, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं, सुनेगा। कि कल रात मैंने एक सपना देखा, कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, एक अजनबी सी सूरत थी, मैं पहली बार चकिया आया हूं इसलिए ये कविता आपके द्वार है। कि एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, मैंने पूछा क्यों मौन हो तुम, प्यारी ये तो बताओ कौन हो तुम, बोली अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं, पापा क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं, मैं
बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू आंसू खुशी के छलकने लगे, जिंदाबाद। आंसू खुशी के छलकने लगे, पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा कन्यादान में उस बच्ची से क्या कह रहा था चकिया वालों, मैंने कहा कन्यादान कन्यादान महादान है, कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी, इसलिए इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ, तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पाले पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है। विधायक जी, मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुना रहा था, मैंने कहा अरे आओ देखो तो बेटी मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर कन्या देवी की मूर्त है, अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। क्या बात, तालियां आपने गलत जगह पर बजानी चाहिए, इतना सुनते ही कविता का यू टर्न मारिएगा, इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी, बोली सच है, अब शायद अगली पंक्ति में आपके गुस्से की तालियां देखना चाहता हूं, बोली सच है पापा, सच है, कवि देवता पैदा हुए थे इस देश घूमते हैं यहाँ इंसानी देश में, अच्छे अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी, 3 साल की बच्ची 5 साल की बच्ची सुबह अखबार पढ़ने उठी है तो रोकते खड़े हो जाते हैं, ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या बाबा विश्वनाथ ने भी नहीं की रही होगी, बोली सच है कवि देवता पैदा हुए थे इस देश में, अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी देश में, आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। अंतिम 4-6 पंक्तियां कि मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी, अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा, आप जैसे कई पिताओं के सपने क्या किया था, मैंने कविता संक्षिप्त करता हूं, गुड़िया दामिनी लाडो बिट्टू आसिफा उन तमाम बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा, आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में बहसी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। डर है तुमको, ये कविता जब मैंने लिखी तो हमारे अग्रज कवि ने कहा कि कविता पूरी करो, इस कविता के अंदर अगर आपने, कई माताएं इधर से आंसू पोंछ रही थी, अगर एक भी आंसू गिरने की कोशिश किया हो या एक भी क्रोध आपके मन में आया हो तो 4 पंक्तियां मैं उपसंहार रखकर अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भाई कि डर है तुमको, और अगली पंक्ति जब मैं पढ़ूं तो कसम इस चकिया के कविता के आज के आनंद की एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा, मेरा मन आपने गदगद कर दिया है कि डर है तुमको, डर है तुमको तो मत आना, डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर, बहुत जब, जब जब बेटियां दुर्गा चंडी सी ज्वाला बन जाएंगी उनकी असमत में फिर कोई आँच ना आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।